नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोशन में। और आज हम करने वाले हैं अध्याय 4, इस्लाम का उदय और विस्तार। आप सभी जैसा कि जानते होंगे, इस्लाम के बारे में सुना होगा बहुत बार, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा आपने। मतलब इस्लाम होता क्या है, कैसे है, कौन सा है, कहाँ से आया है, इन सब की बात आज करने वाले हैं। इस्लाम का उदय और विस्तार, इस्लाम कब हुआ स्टार्ट, कहाँ से उदय हुआ, क्या कारण थे उसके उदय का, किस प्रकार हुआ, हमें पता कैसे चला कि वो कहाँ से आया, किस तरह से उसका उदय हुआ, उन सब चीजों की बात करने वाले हैं और उसका विस्तार किस तरीके से हुआ। चलिए, तो हम सबसे पहले इसकी बात करने वाले हैं कि यह मतलब हमें पता कैसे चलता है कि ये इस्लाम का जो स्रोत है, मतलब उदय कैसे हुआ। तो वो है, हमें पता चलता है इतिवृत्त या तवारीख बोला जाता है। समझाऊंगा कि ये होता क्या है आगे चल के। फिर उसके बाद है जीवन चरित सिरा, पैगंबर के कथन व कृत्य हदीस, इन सब चीजों से, कुरान पर टीकाएं जो है लिखी हुई, प्रत्यदर्शी वृत्तांत अखबार जिसे बोलते हैं, दस्तावेजी प्रमाण और प्राचीन इमारतें, शिलालेख, मुद्राएं, ऐतिहासिक आर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, इन सब से हमें इस्लाम के उदय का वो मिलता है, स्रोत है ये। इससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि इसका उदय हुआ कैसे और कहाँ से इसका विस्तार हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई, किसने इसका शुरुआत किया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट डाल लीजिए आप सभी, इस्लामी क्षेत्रों के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। डालिए, क्वेश्चन लिखिए, ये एक प्रकार का क्वेश्चन भी है, इस्लामी क्षेत्रों के इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। पहला क्वेश्चन लिख के डाल दीजिए आप ये, और उसमें आप आंसर लिखिए इतिवृत्त अथवा तवारिख, यही सारा लिखना है आपको इसमें। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इतिवृत्त अथवा तारीख, तवारिख और जीवन चरित, पैगंबर के कथन और कार्यों के अभिलेख, कुरान के बारे में टीकाएं जो हैं, प्रत्यदर्शी वृत्तांत जैसे अखबार, ऐतिहासिक अथवा अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं, दस्तावेजी प्रमाण, प्राचीन इमारतें इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर ली स्रोत की। अब हम बात करने वाले हैं इसकी शुरुआत कब हुई और कहां से हुई। तो देखिए, आज से 1400 वर्ष पहले, आज से 1400 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई। इसका एक क्वेश्चन बनता है, मुस्लिम समाज की शुरुआत या इस्लामी समाज की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई। तो इसका आंसर लिखना है आप सभी को, आज से 1400 वर्ष पहले, आज से 1400 वर्ष पहले हुई, और इनका मूल क्षेत्र मिस्र से अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र है। देखिए, ये है आपका वर्ल्ड मैप, इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसका जो विस्तार था वो किस तरफ से कहां तक था। देखिए, ये अफगानिस्तान है, मिस्र इस तरफ पड़ता है, इसराइल, इजिप्ट, ये देखिए बेसिकली इधर मिस्र पड़ता है। तो यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार था दोस्तों, इस्लाम का विस्तार पूरा यहां से यहां तक था। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका पता चल गया, इस्लाम का विस्तार और इसका मतलब कह सकते हैं हम, इसका क्षेत्र के बारे में पता चल चुका है आपको। आप इससे इंडिया, हम सभी इंडिया में रह रहे हैं दोस्तों, तो इंडिया से भी आप सभी इसका रिलेट कर सकते हैं आसानी से कि इंडिया ये रहा, अफगानिस्तान ये वाला एरिया जो था, ये पूरा आज के टाइम में भी ये पूरा एरिया जो है दोस्तों, ये भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और मुस्लिम एरिया कहा जाता है सभी एरिया से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। चलिए लिखिए, इसी क्षेत्र के समाज व संस्कृति के लिए इस्लाम का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने दिखा दिया आप सभी को कहाँ, कौन से क्षेत्र में ये लोग बसते थे, कौन से क्षेत्र में ये लोग रहते थे, और इनका जो सिंबल मतलब वहीं के क्षेत्र के लोगों के लिए इस्लाम का प्रयोग किया जाता है। अगली बात करने वाले हैं दोस्तों, अरबी समाज और उनकी जीवन शैली। अरब सुना होगा, अरब देश, अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, ये सारे जो है ये अब के टाइम के वो है नाम है, और ये अरबी समाज जो है काफी पहले से चले आ रहे हैं, 1400 वर्ष पहले हुई जैसा कि आपने सुना, तो वो लगभग लगभग 600 ईसा के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। तो अरबी समाज और उनकी जीवन शैली के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, अरब के लोग कबीलों में बटे थे, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, अरब के लोग कबीलों में बटे थे। अगर आप में से किसी ने पुरानी फिल्मों को देखा है तो पहले लोग कबीलों में रहा करते थे, कबीले हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो अरब के लोग क्या थे, कबीलों में बटे हुए थे।
ये खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे। खानाबदोश क्या होता है आप लिखिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं आपको खानाबदोश होता क्या है। खानाबदोश बेसिकली उन लोगों को कहा जाता है जो अपना जीवन व्यतीत एक जगह से दूसरे जगह जा जाके करते हैं। जैसे कबीले हुआ करते थे, तो कबीले कभी एक जगह पे नहीं रहते थे। एक जगह पे गए, वहां पर देखा वहां का खनिज जिस तरह से है, खनिज मतलब खाने की चीजें, खाद्य पदार्थ, तो उसी तरह से वो रहते हैं कुछ टाइम तक। और अगर वहां पर उनको लगता है कि अब उनका जीवन बसर नहीं हो पा रहा है, तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और निकल जाते हैं दूसरी तरफ। तो उनको ही बोला जाता है खाना बदोश। तो इनकी जीवन शैली जो थे वो पहले कैसा था, खाना बदोश जीवन का व्यतीत करते थे। अगला लिखिए, इस्लाम के उदय से पहले 7वीं शताब्दी में अरब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था। ये भी पॉइंट लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस्लाम के उदय से पहले जो अरब ये देश है वो बहुत ही पिछड़े हुआ करते थे, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक और धार्मिक रूप से, हर तरह से वो पिछड़ा वर्ग माना जाता था। चलिए, इस्लाम के उदय से पहले एक खानाबदोश जनजाति बेडोंस में अरब का वर्चस्व था। बेडोंस जो था वो वहां पर अरब जो एरिया है पूरा अरब का दिखाया मैंने आप सभी को, उस एरिया में उन सभी का ही वर्चस्व हुआ करता था दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इसको लिख के जल्दी से, अगर आपको जल्दी लग रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए और उसको नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप सभी को जितने भी हमारे वीडियोस हों वो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट लिखिए, प्रत्येक कबीले ने के अपने देवी देवता होते थे। तो जो पहले मतलब कबीले हुआ करते थे, हर कबीले के अलग देवी देवता होते थे, अलग सरदार हुआ करता था। अब अगला पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी का अगला लाइन, मक्का में स्थित काबा वहां का मुख्य धर्म स्थल था जिसे सभी मुसलमान इसे पवित्र मानते थे, पहले भी और आज भी। मक्का मदीना आपने सुना होगा, काबा सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, धर्म स्थल है, बहुत ही वहां पर सभी मतलब मुसलमानों की कोशिश होती है अलग अलग देश में जो है पूरे दुनिया से, कि वहां पर एक बार अपनी जिंदगी में जरूर जाए। तो वो उनका मुख्य धार्मिक स्थल है मुसलमानों का दोस्तों। चलिए अगली बात करते हैं, प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था। कहते हैं ना कबीले का सरदार, वैसे ही शेख कबीले का सरदार हुआ करता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर, लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। पारिवारिक संबंध अगर अच्छे हैं, मतलब जो पहले से ही शेख हुआ करते हैं, उनके बच्चों को या फिर उनके जो भी रिश्तेदार होंगे उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है दोस्तों। लेकिन अगर उसमें ज्यादा मतलब लोगों में अगर समझ नहीं है, साहस नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है, उदारता नहीं है, तो उनके चुने जाने की संभावना कम होती थी। और जो इनमें जिनमें ये सारी क्वालिटीज होती थी उनके चुने जाने की संभावनाएं ज्यादा होती थी। और अगला आंसर जो है, अगला पॉइंट जो है दोस्तों लिखिए, उनका खाद्य जो होता था मुख्यतः खजूर था। वहां पर खजूर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, इसलिए वहां का खाद्य जो हुआ करता था वो खजूर हुआ करता था दोस्तों। देखिए दोस्तों ये बेसिकली अरब का जो दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा एक मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो जाए, अरब में इस प्रकार से लोग रहते हैं आज के टाइम में। और ये अरब जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, ये पैलेस्टीन में जो चलता है, पैलेस्टीन और इसराइल के बीच चलता है दोस्तों, वो चलता रहता है अलग अलग कारणों से। अरब के लोग जैसे देखिए अब शेख हुआ करते हैं दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर, ठीक है, द अरब स्प्रिंग, ये सारी चीजें जो है अरब देश के बारे में। अगला है, वहां के कुछ लोग शहरों में बस गए थे और व्यापार एवं खेती का काम करते थे। ये लास्ट पॉइंट था अरबी समाज और उनकी जीवन शैली का। अगली बात करने वाले हैं, अगले पॉइंट की बात करने वाले हैं, पैगंबर हजरत मोहम्मद और इस्लाम, मतलब इन दोनों का क्या रिलेशन है, कैसे इन दोनों में मतलब क्या क्या किया इन्होंने इस्लाम के लिए। चलिए लिखिए, 612 ईसा में पैगंबर मुहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक घोषित किया। 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद जो थे उन्होंने कहा कि मुझे खुदा ने यहाँ पर इस्लाम का और मतलब
संदेश वाहक बनाकर भेजा है, जिससे लोगों में अलग अलग प्रकार के वो बुद्धिमत्ता के और एक वो जागरूकता पैदा की जा सके। तो 622 ईसा पूर्व में पैगंबर मोहम्मद और इनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था। तो देखिए वहां पर जो थे उनको, मतलब देखिए ऐसा होता है कि लोगों को मतलब विरोध का सामना करना पड़ता है, तो इनको भी विरोध का सामना करना पड़ा मक्का में, और वहां से छोड़कर वो कहाँ चले गए, मदीना चले गए। इस यात्रा को हिजरा कहा गया। जो इन्होंने मक्का से मदीना जाने का रास्ता तय किया उस यात्रा को हिजरा कहा गया। और इसी 622 ईसा में वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। तो 622 ईसा जो है हिजरी सन, एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया आपको कि मुस्लिम कैलेंडर क्या है, वो हिजरी सन की शुरुआत जो है वो 622 ईसा में की गई थी। ऐसे ही हिंदू कैलेंडर भी है अलग अलग प्रकार के, जैसे विक्रमी संवत बोला जाता है तो वो राजा विक्रमादित्य से रिलेट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये हिजरा यात्रा से रिलेट करता है, कौन सा, हिजरी सन। अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद को विश्व इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। आप देख पा रहे होंगे पैगंबर मोहम्मद, ठीक है दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद जो थे, पैगंबर मोहम्मद, चलिए अब लिखिए, उनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, मक्का में हुआ था, और मक्का छोड़कर वो कहाँ गए थे, मदीना गए थे। तो आज के टाइम में दोनों ही मक्का और मदीना एक बहुत ही पवित्र स्थल इस्लाम में माना जाता है दोस्तों। अगला है, पैगंबर मोहम्मद साहेब का कबीला जो था वो कुरैश था। कौन सा था कबीला, कुरैश नाम का कबीला था, जिस कबीले से वो बिलोंग करते थे, जो मक्का में रहता था तथा वहां के मुख्य धर्म स्थल कावा पर उसका नियंत्रण था। तो जो कुरैश है उसका नियंत्रण कावा पर था दोस्तों। तो आज के टाइम में कावा भी एक धार्मिक स्थल है जहां पर लोग आज भी बहुत ही श्रद्धा भाव से जाते हैं और वहां पर दर्शन करके आते हैं दोस्तों। अगला है, पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की। तो कहां से, मक्का छोड़कर वो मदीना चले गए और वहां पर उन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था की। अब मदीना जो था इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का जो था वो धार्मिक केंद्र बन गया। तो मदीना प्रशासनिक राजधानी बन गई और मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। थोड़े ही समय में अरब प्रदेश का बड़ा भूभाग इनके अधीन हो गया। तो इन्होंने, पैगंबर जी ने धीरे धीरे इसको बढ़ावा दिया और अपने राजनीतिक उसको व्यवस्था को भी इंक्रीज किया, बढ़ाया, और प्रशासनिक राजधानी किसको बना दिया, मदीना को, और मक्का जो था वो धार्मिक केंद्र बन गया। अगला है, इस्लाम में अल्लाह की इबादत की सरल विधियां। इस्लाम में अल्लाह की इबादत की जाती है, सभी धर्म में अलग अलग धर्म में मतलब अलग अलग तरीके से अपने ईश्वर की इबादत करते हैं लोग। तो ऐसे ही इस्लाम में भी अल्लाह की इबादत की जाती है, जिसमें सलत दैनिक प्रार्थना जिसे बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज भी बोला जाता है वो करते हैं, और नैतिक सिद्धांत जैसे खैरात बांटना एवं चोरी ना करना, शराब ना पीना, इस तरह की जो है नैतिक सिद्धांत है जिसका पालन करना सभी मुस्लिम्स का, इस्लाम मानने वाले का धर्म होता है दोस्तों, वही उनकी इबादत होती है, ये सरल विधि में कहा जाए। अगला है, इस्लाम के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। इस्लाम के 5 स्तंभ जो है वो पहला है राइमा, नमाज, रोजा, जकात और हज को याद करना, इस्लाम के 5 स्तंभ है दोस्तों। हज की यात्रा सुना होगा आपने, हज की यात्रा के लिए हर साल लोग अपने मतलब जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, तो इस्लाम के 5 स्तंभ में हज का नाम भी शामिल है दोस्तों, उसको भी याद करना एक 5 स्तंभ का ही भाग है। अगला है, पैगंबर मोहम्मद का देहांत कब हुआ दोस्तों। पैगंबर मोहम्मद जो थे उनका देहांत सन 632 ईसा पूर्व, ईसा में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, ईसा, और इन्होंने 622 ईसा में क्या किया था, वो यात्रा की थी हिजरा यात्रा, जिसे क्या कहा गया, हिजरी सन भी
की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। अब सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का तो देहांत हो गया दोस्तों। मैं आपको कुछ इससे पहले तस्वीरें दिखा दूं कि हज यात्रा किस प्रकार से होता है दोस्तों। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है हज कमेटी का द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली, और ये पिलग्रिमेज जो है मतलब जो श्रद्धालु हैं वो सारे हज की यात्रा पर जाते हैं। और देख पा रहे होंगे आप कितनी मात्रा में भीड़ होती है मक्का मदीना में, मक्का में दोस्तों बेसिकली हज में, हज की यात्रा पर जब जाते हैं मक्का मदीना जो है वहां पर, देख पा रहे होंगे आप कितनी तादाद में लोग वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं दोस्तों। हर हर मतलब इस्लाम मानने वाले का ये मानना होता है कि ये जो है एक बहुत ही धार्मिक स्थल है और यहाँ पर जाना उनका जीवन सार्थक होना होता है दोस्तों। उनका मानना है कि यहाँ पर पहुंचना ही उनके लिए जीवन को सार्थक बनाना है। चलिए पैगंबर मोहम्मद का देहांत लिख लीजिए दोस्तों, 632 ईसा में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद हम बात करेंगे कावा की, फिर हिजरा की बात करेंगे और इसकी सुरक्षा, इस्लाम की सुरक्षा जो पैगंबर मोहम्मद द्वारा दी गई है उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए पॉइंट कावा। अभी मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई दोस्तों, वो बेसिकली कावा का ही ढांचा था, देख पा रहे होंगे ये जो कावा का ही ढांचा है दोस्तों। तो लिखिए कावा एक घनाकार ढांचा वाला अरबी समाज का धार्मिक स्थल है। ये सिर्फ अरबी समाज का ही नहीं, इस्लाम मानने वाले के लिए, सभी के लिए ये एक धार्मिक स्थल है। ठीक है दोस्तों, लिखिए पॉइंट, धार्मिक स्थल था, इसे ही कावा कहा जाता था जो मक्का में स्थित है। मक्का से मदीना गए थे ना ये पैगंबर मोहम्मद, कब गए थे, 622 ईस्वी में, जिसे हिजरी यात्रा, हिजरी सन के नाम से भी जाना जाता है, उसको हिजरा यात्रा बोला गया था दोस्तों। चलिए लिखिए, मक्का में स्थित है जिसमें बहुत बुत रखे गए हुए थे और हर वर्ष वहां के लोग इस इबादत गाह धार्मिक यात्रा हज करते थे, धार्मिक यात्रा हज यात्रा करते थे। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था। ठीक है दोस्तों, ये एक व्यापार की मतलब व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यमन और सीरिया के बीच स्थित था दोस्तों। अगला पॉइंट लिखिए, कावा को एक ऐसी पवित्र जगह, हरम जगह, पवित्र जगह को हरम बोला जाता है, हरम माना जाता था, जहां हिंसा वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तो वहां पर हिंसा बिल्कुल नहीं होगी, मतलब पूरी तरह से वहां के लॉ भी बहुत स्ट्रिक्ट है दोस्तों आज के टाइम में भी, इसलिए वहां के दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी इस प्रकार से। अगला पॉइंट है हिजरा। इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर मोहम्मद का मक्का और उसके इबादतगाह पर कब्जा था। जैसा कि जानते हैं आप सभी, शुरुआती दिनों में कहां कब्जा था उनका, मक्का और उसके इबादतगाह पर कब्जा था। मक्का के समृद्ध लोग जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा था, देखिए एक चीज से जब ट्रांजिशन होता है दूसरे उसमें तो सभी को बुरा लगता है दोस्तों, तो उनको भी बुरा लगा था जब उनके देवी देवताओं को पूजना छोड़कर क्या किया गया, ठुकराया जाकर बुरा लगा, और मतलब ठुकराकर उन्होंने इस्लाम की शुरुआत करी, जिन्हें इस्लाम जैसे नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझते थे, इस वजह से उनको क्या समझा जाने लगा, मक्का के प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा जाने लगा। उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद का जबरदस्त विरोध किया, जिससे हुए और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। तो ये मैं बता चुका हूँ, इसी को हिजरा कहा गया और हिजरी कैलेंडर की शुरुआत यहीं से हुई थी। अगला पॉइंट लिखिए, पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम की सुरक्षा, पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम की सुरक्षा। पॉइंट लिखिए दोस्तों, किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। किसी धर्म का जीवित रहना उसके विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने कुछ तरीके बताए जिससे इस्लाम और मुसलमानों की रक्षा की जा सके और सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम की क्या सुरक्षा प्रदान की गई, इसमें पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों, इस समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया और उन्हें बाहरी खतरों से बचाया।
बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज को अगर आपको रक्षा प्रदान करनी है, सुरक्षा देनी है, तो उसका आंतरिक ढांचा बहुत मजबूत होना जरूरी है, जिसका उचित उपयोग पैगंबर मोहम्मद ने किया, और उन्होंने ही ऐसा करके समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया। अगला पॉइंट है, उन्होंने सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए मदीना में एक राजनैतिक व्यवस्था को बनाया। तो उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की भी स्थापना की, वो कहाँ किया था, मदीना में, और जबकि अपने धार्मिक उसकी जो व्यवस्था की उन्होंने धार्मिक व्यवस्था वो मक्का से शुरुआत की थी, और वहां पर उनको विरोध का सामना करना पड़ा, इसलिए वो मक्का छोड़कर मदीना चले गए, जिस वर्ष को हिजरा भी कहा गया उस यात्रा को, और उसी वर्ष को हिजरी सन कहा गया दोस्तों। चलिए अगला है, राजनीतिक व्यवस्था को बनाया, उन्होंने शहर में चल रही कलह को सुलझाया और उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया। उम्मा को क्या किया गया, एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया और कलह को सुलझाया गया। ना लिख लीजिए जल्दी से। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं, हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी वो लिख लीजिए। हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं जो थी, प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए। पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों, प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए और अल्लाह एकमात्र पूजनीय है और पैगंबर मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, संदेश वाहक है दोस्तों। ये लिख लीजिए जल्दी से। अगला पॉइंट है, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज अदा करना अनिवार्य है। ये प्रमुख शिक्षाओं में शामिल है दोस्तों। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, नमाज अदा करना अनिवार्य कर दिया गया, और निर्धनों को जकात एक प्रकार का दान देना चाहिए ऐसा कहा गया। हजरत मोहम्मद की प्रमुख विशेषताओं में, हजरत मोहम्मद की बातों में ऐसा बताया गया कि वो निर्धनों को जकात दिया जाए, जकात जो है वो एक प्रकार का दान होता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इस्लाम को मानने वालों को रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए। इस्लाम को मानने वाले लोगों को रोजे महीने में रोजे रखने चाहिए, रमजान महीने में। अगला पॉइंट लिखिए, प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार काबा की हज यात्रा अवश्य करना चाहिए। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट की वजह से, इसी पॉइंट के कारण सभी लोग जो है वो हज की यात्रा करना प्रिफर करते हैं, आज भी वहां जाना पसंद करते हैं दोस्तों। तो ये है क्या, इन सब की जो बातें कर रहे हैं हम, हजरत मोहम्मद की प्रमुख विशेषताओं की। अब इस वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाता हूँ दोस्तों, ज्यादा लोड आपको नहीं देने वाला हूँ। हम अगले वीडियो में बात करेंगे खिलाफत की शुरुआत, और प्लीज आप सभी ने अगर सब्सक्राइब कर लिया है चैनल तो बहुत अच्छी बात है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। नीचे लाल बटन होगा दोस्तों, लिखा होगा SUBSCRIBE, जिसको दबा दें जल्द से जल्द, जिससे मैं अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो का और उसके मटेरियल्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके दोस्तों। तो खिलाफत की शुरुआत हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।